तो हाफ फ्राई बनाने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं ब्रेड स्लाइस, एग्स, तेल, ये काली मिर्च पाउडर, चिली पाउडर, जीरा, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और एक बारीक कटा प्याज। तो हम गैस ऑन कर देंगे, तेल डाल देंगे इस पे। हमारा तेल गरम हो गया है, इस पे जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हाफ फ्राई में हमको पूरा एक एग चाहिए होता है, इस पूरे को हम डायरेक्ट इस पे तोड़ देंगे। इस तरह से प्याज डाल देंगे, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। तीखा तीखा ज्यादा चाहिए तो रेड चिली पाउडर, ये भी कम ज्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। नमक को आप नमकदानी से डालेंगे तो थोड़ा प्रॉपरली डल जाएगा, इवनली चारों तरफ इजीली डल जाता है। काली मिर्च, अब एक तो थोड़ा चेक कर लेंगे हम। आप ब्रेड को डायरेक्ट इसके ऊपर चिपका लो, दबा प्रेस कर दो। टर्न कर लीजिए इसको दूसरी साइड पे, जो भी बाहर आउटर जो भी है इन सबको आप उठा के दूसरी साइड में दूसरी ब्रेड इसको आराम से आप पकने दीजिए। चार पर जो तेल है उसको आप ब्रेड से हाफ फ्राई को पकते हो तो आपको गैस को बिल्कुल सिम रखना है, नहीं तो ब्रेड जल जाएंगे और अंदर से आपका जो एग है वो पक नहीं पाएगा। तो आपको बिल्कुल इसको सिम पे ही रखना है और कुरकुरा होने तक इसको आपको पका लेना है। तो हमारी हाफ फ्राई पक गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेड भी हमारी पक गई और अंदर से एग भी हमारा पक गया और ये दोनों ब्रेड आपस में चिपक भी गई है। अब हमारी ये पक्की तैयार हो गई, इसको हम उतार लेंगे गैस का फ्लेम ऑफ। डायनली आप इसको कट कर लीजिए और सॉस के साथ इसको खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।